क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए क्या कह रहा है। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। आप कह रहा है क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक सर्कल दिया हुआ है ठीक है, और सेंटर से एक पॉइंट ए डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर और ये जो टेंजेंट है इसको बी मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, आपको ये रेडियस पता करना है। ओ बी आर रेडियस देखिए, ए बी क्या है टेंजेंट है ना, ए बी इज अ टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है टेंजेंट 90 डिग्री एंगल बनाता है, एंगल ओ बी ए 90 डिग्री। इस टाइम में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर होगा ना। ओ ए, ओ ए क्या है आपका 5 स्क्वायर, ओ बी 4, ओ बी आर स्क्वायर आर स्क्वायर ये ए बी 4 स्क्वायर। 5 स्क्वायर क्या होता है 25 आर स्क्वायर प्लस 16 में इतने ही प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 9 इक्वल टू आर स्क्वायर आर इक्वल अंडर रूट 9 इक्वल आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर रेडियस ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। देखो यहाँ क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 7 आपको दो सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर एक है, लार्जर सर्कल के लिए आपका कॉर्ड है लार्जर को मानते C1 इसको मानते C2 और आपका ये सेंटर आपका O है, ये A है ये B है, आपको ये P है मान लीजिए, ये जो सेंटर है तो ये आप O P परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका ए बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, बड़ा वाला का जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर है ये 5 सेंटीमीटर है और छोटा वाला का रेडियस जो है आपका वो 3 सेंटीमीटर है, रेडियस 3 सेंटीमीटर ठीक है। आपको ये पता करना है ए बी जो होगा ए बी का लेंथ क्या होगा ठीक है, उसमें लेंथ ए बी पता करना है, तो कैसे करेंगे आप देखिए ध्यान से। यहाँ पर देखो ओ पी परपेंडिकुलर हो जाएगा इस पर ए बी पर, ओ पी परपेंडिकुलर ए बी देयरफॉर क्या होगा आपका या ए पी इक्वल टू पी बी दोनों आपस में इक्वल होंगे है ना, ये तो पता है आपको पहले से। अब देखो जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो मतलब ये क्या राइट ट्रायंगल है कि नहीं, हाँ जी राइट ट्रायंगल है। और अब ऐसे भी कह सकते हैं देखो ये एक टेंजेंट है, जब ये टेंजेंट है C2 में तो ये एंगल 90 है, 90 भी 5 पता है ये 3 तो ये निकल जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम लोग देखेंगे क्या इन ट्रायंगल AOP OP एंगल पी आपका क्या है 90 डिग्री, तो हम इसको कैसे लिखेंगे ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर लिखेंगे ठीक है, तो ओ पी ये आपका 5 स्क्वायर और ओ पी 3 स्क्वायर और ए पी तो पता नहीं है, पता करना है आपको 5 × 25 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 ए पी स्क्वायर और उसके जरिए लाइए माइनस ए पी स्क्वायर 25 में से 9 चले जाएगा कितना 16 हो जाएगा ए पी स्क्वायर डेयर फोर ए पी इक्वल अंडर रूट 16 और 16 यानी ए पी 16 का स्क्वायर क्या होता है आपका 4 सेंटीमीटर, तो आपका ए पी हो गया 4 सेंटीमीटर
देखिए जब ए पी फोर हो गया तो पी बी, ए पी और पी बी दोनों इक्वल है, ए बी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ए पी इक्वल टू पी बी दोनों इक्वल है, तो ए पी फोर है मतलब ये 4 सेंटीमीटर। तो देर फोर आपको पता क्या करना है, ए बी, ए बी ए पी प्लस पी बी, तो ए बी फोर है, ए प्लस फोर, फोर प्लस फोर 8 सेंटीमीटर, दिस इज द आंसर। ठीक है, देखिए फटाफट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कल, स्क्राइब ए सर्कल, प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपको यहां कह रहा है सर्कल दिया हुआ, ए बी सी और या फिर ए डी है, ये पी दे दिया है, क्यू आर एस, आप यहां पर देखिए यहां क्या कर रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, इस सर्कल के बाहर एक आपका ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है आपको दिया हुआ है, जो सबको यहां देखो इस साइड में आपको पी को, ए बी में पी को टच कर रहा है, अब बी सी में क्यू को और सी डी में आर को और ए डी में एस को, यहां पर प्रूव करना क्या है, देखो प्रूव दैट, प्रूव करना है आपको ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, प्रूव करना, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इसको कैसे करते हैं हम लोग, प्रूव हमको ये बताइए, एक एक सर्कल है, देखो जब ये सर्कल है तो ए पी और ए एस दोनों टेंजेंट है, हम पढ़े हुए हैं दो टेंजेंट बाहर से हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, दोनों आपस में क्या होता है इक्वल होता है, पता ना, ले देंगे क्या हम लोग यहाँ पर ए पी इक्वल टू ए एस, अब यहाँ लिखना क्वेश्चन होगा ये क्यों हुआ भाई, ये आप थ्योरम 10.2। ठीक है, सेम है, अब बताओ बी पी इक्वल टू बी क्यू होगा, बी पी इक्वल टू बी क्यू टू, सेम थ्योरम सेम एज, अब क्या हो जाएगा आपको सी आर इक्वल टू सी क्यू होगा, सी आर इक्वल टू सी क्यू, थर्ड थ्योरम सेम, इसी तरह हम लोग सिमिलरली डी आर इक्वल टू डी एस होगा, डी आर इक्वल टू डी एस, अब हम क्या करेंगे देखिए भाई, अब हम चारों को 1 2 3 4 को ऐड करते हैं, क्या कहेंगे एडिंग, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 and 4, ठीक है, हम चारों को ऐड जब करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, अब ये इक्वल इक्वल के पहले लेफ्ट हैंड को एक साथ राइट हैंड को एक साथ, तो ए बी प्लस बी बी प्लस सी आर प्लस डी आर, ऐसे होगा ए बी प्लस बी बी, ए बी प्लस बी बी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो हम आप लोगों का एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, तो हम क्या करते हैं देखते जाइए क्या प्रूफ करना है आपको, ए बी, ए बी कैसे आएगा, ए बी प्लस बी पी दोनों को एक साथ लिखेंगे, देखो दोनों को एक साथ है ही यहाँ पर, तो हम ए पी प्लस बी पी के बदले में लिख देते हैं क्या, हम ए बी, इसी तरह सी आर प्लस डी आर, ये सी आर और डी आर डी है ना, मिलकर क्या हो जाएगा सी डी, अब यहाँ पर ए एस प्लस आपको चाहिए क्या, यहाँ पर ए डी चाहिए,
तो ए डी कैसे आएगा, एस और डीएस को साथ में लिखना होगा, एस और ये डीएस एक साथ लिखिए, प्लस आपको चाहिए फिर बीसी, बीसी आएगा बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू साथ में, ठीक है। तो देयरफॉर ये हो जाएगा ए बी प्लस सी डी इक्वल टू एस प्लस डी एस, एस प्लस डी एस ए डी प्लस बी क्यू सी क्यू मिल बी सी। तो ये आपका क्या हो गया, देखिए ये प्रूफ करा था ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये हो गया आपका हेंस प्रूफ, ठीक है। चलिए फिर आप लिखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इन फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी, प्रूव दैट ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट है और थर्ड आपका टेंजेंट क्या है ए बी है, जो कि सी क्या है इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है। तो आपको वो भी यहाँ करना है ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ करना है आपको। तो यहाँ जो प्रूफ करना है यहाँ लिख दीजिए, प्रूफ दैट प्रूफ करना क्या है ए ओ बी 90 डिग्री, ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ कंस्ट्रक्शन लेते हैं, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओसी, ओसी को हम क्या ज्वाइन करिए प्रूफ, देखिए आपका ये टेंजेंट है ये 90 डिग्री होगा, ये टेंजेंट ये 90 होगा, पर ये दोनों ट्रेन को देखते हैं हम लोग एंड ट्रेवल, देखिए ओ ए सी एंड ट्रायंगल ए ओ सी और ओ ए पी, ओ ए पी दोनों को हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं पहले, ठीक है। देखिए आपका ये एंगल 90 है दोनों में और ये रेडियस है, देखिए ये रेडियस है, ठीक है, और टेंजेंट आर इक्वल होता है, दोनों टेंजेंट है दोनों इक्वल होगा, होगा ना। और क्या क्या हो सकता है, ये दोनों में है ये भी लिख सकते हैं आप, चलिए पहले दोनों देखते हैं क्या क्या है, ओ सी इक्वल टू लिखो ओ पी, दोनों इक्वल होगा क्योंकि ये रेडियस है, ठीक है, और ओ ए ओ ए दोनों में है, ओ ए इक्वल टू ओ ए कॉमन, अब देखो ए सी इक्वल टू ए पी टेंजेंट है, ठीक है। तो दोनों ट्रेंगल क्या हो गया एस 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 से बाई एस 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 साइड टू साइड रूल, दोनों का ओ ए सी कोंगुएंट ट्रेंगल ओ ए पी, जब दोनों कोंगुएंट हो जाएगा तो ये कोण और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल होंगे, इसको ऐसे लिखेंगे देयरफॉर ओ ए सी इक्वल टू ओ ए ओ ए पी इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं दोनों इक्वल, पूरा का हाफ पूरा को लिखेंगे हम पी ए सी, पी ए सी इसको हम और थोड़ा मिसाल लिखते देखो ओ ए सी को हम लोग ओ ए बी लिख सकते हैं, ओ ए बी ओ ए सी इस एंगल को हम क्या किए ओ ए बी कर दिए इक्वल टू, अब यहाँ बाई टू लिख दें, सॉरी दोनों आपस में इक्वल है तो पूरा का हाफ होगा ना, और पी ए सी को हम लोग पी ए बी लिखते हैं, क्या लिखते हैं पी ए बी बाई टू, कोई दिक्कत है किसी को नहीं ना, मतलब जब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हो गया तो ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा और पूरा का हाफ होगा। तो सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, अब ये दोनों को भी हम लोग क्या कर सकते हैं कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं, चलिए करते हैं उसको भी, अगेन इन ट्रायंगल
ओ सी बी एंड ट्रायंगल ओ सी बी एंड ट्रायंगल ओ क्यू ओ क्यू बी। यहां भी देखिए क्या ये रेडियस दोनों में है, ये आपका कॉमन है और ये आपका टेंजेंट है, ये टेंजेंट ये, तो इसको लिखिए ऐसे OC इक्वल टू OQ रेडियस OB इक्वल टू OB कॉमन, ठीक है। और मुझे कहिए BC इक्वल टू BQ, यहाँ पर टेंजेंट है तो पाई SSS रूल से क्या हो जाएगा ट्रायंगल OCB कोण ट्रायंगल OQB, फिर दोनों कोण हो गए, जब कोण घट हो गए तो ये एंगल जो होगा इस एंगल पे इक्वल होगा और पूरा का हाफ हो जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे एंगल ओ OBC OBC इक्वल OQ सॉरी OBQ पूरा का हाफ इस एंगल QBC QBC by 2। therefore इसको हम क्या कैसे लिख सकते, देखिए OBC को OBA लिखें OBA, ठीक है OBC को OBA लिख सकते हैं, और इसको देखिए QBC को QBA QBA by 2, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमको ये बताओ आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको ये हिंट्स दिया हुआ है XY parallel XS y tangent, दोनों आपस में क्या है parallel है, दोनों tangent parallel है, तो उसका यूज करेंगे हम लोग क्या XY parallel XS y tangent parallel, जब ये दोनों parallel है तो this angle plus this angle quality होता है, तो देखिए क्या angle PAB plus QBA QBA मिलकर हो जाएगा 180। अब क्या करते हैं हम लोग वो साइड को से डिवाइड कर देते हैं, तो पी ए बी बाई टू क्यू बी ए बाई टू, इधर भी हम क्या करते हैं बाई टू से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है डिवाइडिंग बोथ साइड बाई टू। तो अब देखो यहाँ क्या मिलेगा पी ए बी बाई टू, देखो पी ए बी बाई टू हम लोग पता कर चुके हैं पहले से कि क्या है ओ ए बी स्क्वायर के बदले में ओ ए बी प्लस, अब यहाँ देखो तो यहाँ से ये मिला है हमको क्या क्यू बी ए क्यू बी ए बाई टू एंगल ओ बी ए, अब इसको कट करेंगे तो 90, तो क्या हो गया आपका ये एंगल और ये एंगल मतलब ओ ए बी और ओ बी ए 90 हो गया। अब हमको क्या करना है इसको 90 प्रूफ करना है, एक ट्रायंगल है देखिए ए ओ बी लिखेंगे यहाँ पर एंड ट्रायंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा ओ ए बी प्लस ओ बी ए प्लस ए ओ बी ए ओ बी, जो कि क्या होता है 180 होता है, ठीक है। तो लिखेंगे दिस इंप्लाइज, अब देखो दिस प्लस दिस कितना है 90 है, इन दोनों को बदलने में क्या लिखेंगे 90 प्लस ए ओ बी 180 है ना। अब क्या लिखेंगे तो ए ओ बी इक्वल टू 180 प्लस को दिया हुआ इधर माइनस, देयरफॉर क्या हो गया एओबी इक्वल टू 180 बाय 90 क्या होता है 90, क्या प्रूफ करना था आपको माइनस प्रूफ एक 90 प्रूफ करना था, देखिए प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत है ना। देखो फटाफट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, प्रूफ दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सब्टेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर, ये कह रहा है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन अटेन एक सर्कल दिया हो, ठीक है ये आपका
टेंजेंट है, डिटेंजेंट है, और आपस में पी पर एक्सटर्नल पॉइंट में मिलता है, ये ए है, ये बी है, ये है। आपको करा ये एंगल मतलब ए ओ बी और ए पी बी दोनों का सम क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा, मीन्स क्या होगा आपका 180 होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो लिखना आपको है गिवन दैट ए ए सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, इन विच ए पी एंड बी पी आर टू टेंजेंट, टेंजेंट, ठीक है, प्रूव दैट, प्रूव करना आपको ए ओ बी प्लस ए पी बी दोनों का सम क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा, तो 180 होगा, ये प्रूव करना है। आपको क्वेश्चन करिए आपको ए पी एंड बी पी आर टू टेंजेंट्स, मीन्स ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री, ओ ए पी और ओ बी, ओ बी पी ये भी आपका 90 हो जाएगा, लिख देंगे देयरफॉर ओ ए पी इक्वल 90 एंड ओ बी पी 90, ठीक है। अब देखिए इन क्वाड्रेटर ओ ए पी बी, ओ ए पी बी सम ऑफ फोर एंगल्स ऐसे लिखिए ए ओ बी प्लस ओ ए पी प्लस ए पी बी प्लस ओ बी पी, क्या हो जाएगा फोर एंगल का सम 360 होता है, ठीक है। अब देखिए ए ओ बी प्लस ओ ए पी, ओ ए पी हम लोग निकाल चुके 90 और ए पी बी, ए पी बी लिख दीजिए और ओ बी पी 90 डिग्री, तो हो गया 360, ठीक है। आगे देखिए ए ओ बी प्लस ए पी बी 90 प्लस 90 क्या हो जाएगा आपका 180, 360, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ देयरफॉर एंगल ए ओ बी प्लस ए पी बी, ठीक है, और प्लस हो जाएगा इधर क्या हो जाएगा 360 माइनस 180, ए ओ बी प्लस ए पी बी 180 होगा, ये आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ, ये प्रूफ करना था, ठीक है, कोई डाउट नहीं ना, लिखिए। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन 11 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रूफ दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल ए रंबस। आपको यहाँ कह रहा है एक आपको सर्कल दिया हो, इसके ऊपर में जो बाहर में बन रहा है आपको क्या क्वाड्रिलेटरल, वो क्या है पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो प्रूव करना क्या है वो रंबस होगा, ठीक है। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 11 सर्कल दिया हुआ दिया हुआ, गिवन दैट एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग
ए सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, आपको यहां प्रूव करना क्या है, प्रूफ करना आपको क्या है, रंबस प्रूफ करना है। ए बी सी डी ये रंबस, ये रंबस प्रूफ करना है। तो आप पहले हम लोग ये देख लेते हैं क्या आपकी क्या है पैरेललोग्राम है, ऐसे देखिए क्योंकि ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में क्या होता है ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है ना, ऐसे होता है ए बी इक्वल टू बी सी, बी सी कैसे लिख सकते हैं आप, फिर क्या लिख सकते हैं आप, चलो बी सी एडी के ऊपर, ये आपका पैरेललोग्राम में गिवन है। ठीक है, मतलब हम क्या करते हैं, देखिए पहले भी हम पढ़े थे क्वेश्चन नंबर, कहाँ पढ़े थे, क्वेश्चन 8 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम हमको ये बताइए ए पी इक्वल टू ए एस होगा क्योंकि ए पी का टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है दोनों और एक ही पॉइंट से है, तो देखिए ए पी इक्वल टू ए एस देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, ए पी इक्वल क्या होगा ए एस होगा वाई थ्योरम 10.2 क्वेश्चन वन, फिर क्या हो जाएगा आपका डी पी, देखो ये बी पी किसके इक्वल हो जाएगा बी क्यू, ये भी आपका थ्योरम 10.2 से क्वेश्चन टू। सिमिलरली आपका सी आर सी क्यू के इक्वल हो जाएगा क्वेश्चन थर्ड, डी आर इक्वल टू डी एस थ्योरम 10.2। अब क्या करते हैं हम लोग चारों को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 and 4 वी गेट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ना, इसको लिखते हैं वी आई। अब क्या करते हैं इसको एडिंग करते हैं, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ठीक है, अब देखिए यहां पर ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी ये मिलकर क्या होगा ए बी होगा, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा आपका ए बी प्लस, अब ये देखिए ये दोनों मिलकर सी आर, सी आर प्लस डी आर ये क्या होगा बी सी, चलिए निश्चित बात नहीं है। अब ये देखिए एस यहां पर देखो एस और ये डी एस इसको एक साथ देखेंगे, एस प्लस डी एस एस और ये डी एस ये दोनों मिल गए क्या हो जाएगा आपका ए डी, और ये दोनों मिल गए क्या हो जाएगा आपका बी क्यू प्लस सी क्यू मिल के बी सी। आगे देखें ए बी प्लस, अब यहां बताइए हमको, देखिए हम लोग क्वेश्चन में क्या हिंट दिया गया ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में क्या होता है ए बी डी सी के इक्वल होता है और बी सी ए डी के इक्वल होता है, तो हम यहां पर क्या करेंगे देखो ए बी इक्वल डीसी, तो डीसी का बदले हम ए बी लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, तो यहां पर क्या लिखते हैं डीसी का बदले हम ए बी, अब ये देखिए ए डी, अब बताओ ए डी ए डी का बदले बीसी लिख सकते हैं हम लोग, जहां ए डी है वहां पर क्या लिख देंगे हम लोग बीसी प्लस बीसी, क्या बगल में लिख दीजिए क्या यूज किया आप, आपने यूज किया क्या बीसी के इक्वल ए बी लिखिए और आपका बीसी इक्वल ऐसे लिखिए। अब बताइए ए बी प्लस ए बी मिलकर क्या होगा टू ए बी होगा, बी सी प्लस बी सी मिलकर क्या होगा टू बी सी होगा, बी सी बी सी कैंसिल देयरफॉर क्या हो गया ए बी इक्वल टू बी सी। अब यहाँ देखिए ए बी इक्वल टू बी सी लिख दिए, अब बताओ यहाँ पर ए बी, ए बी जो है ए बी किसके इक्वल होता है, तो ए बी किसके इक्वल बी सी, तो आप यहाँ पर बी सी लिख सकते हैं इक्वल टू, और ये देखो बी सी, बी सी किसके इक्वल है ए डी, ए डी तो क्या हो गया आप देखो, तो एक रेक्टेंगल में चारों साइड मतलब एक पैरेललोग्राम में चारों साइड्स इक्वल हो गए ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, तो हम क्या लिखेंगे एंड हेंस ए बी सी डी ए रंबस, एंड हेंस ए बी सी डी
ये रॉम्बस, रॉम्बस ठीक है, हेल्थ ग्रुप। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना, देखिए फटाफट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। ए ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट बीडी एंड डीसी इनटू व्हिच बीसी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डी आर्क ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द साइड्स ए बी एंड ए सी। देखिए पहले क्वेश्चन को हम फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 12 सर्कल है, आपका कितना है सीडी 6 सेंटीमीटर तो सी एफ क्या हो जाएगा, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा क्योंकि ये भी तो आपका टेंजेंट है ना, और आपका ये बीडी 8 है तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी टेंजेंट है। बीडी इक्वल टू डी डी, और हम क्या करते हैं आपको निकालना क्या होगा, एसी निकालना और एबी निकालना। तो आप इसको मान लीजिए, इसको मान दे एक्स, जब ये एक्स मान लें तो ये क्या हो जाएगा मेरा एक्स हो जाएगा। अब यहां देखिए Let AF equal to AE x centimeter, ठीक है, और जो जो दिया हम लोग लिख लेते हैं, और क्या क्या दिया आपको यहाँ पर CD, CD equal to CF 6 centimeter लिख दीजिए, BD, BE 8 सेंटीमीटर, और ये पूरा क्या लिखेंगे लोग, BC, BC क्या हो जाएगा 6 प्लस 8 यानी पूरा 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और AC, AC हो जाएगा x प्लस 6 सेंटीमीटर, और AB x प्लस 8 सेंटीमीटर, तीनों साइड्स का हम लेंथ को लिख दिए। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं, क्या कंस्ट्रक्शन लेते हैं, जॉइंट ओसी ओए ओबी, जॉइंट ओए ओबी एंड ओसी, और देखिए रेडियस ये भी तो रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, सर्कुलर भी होगा, ये तीनों, ये 4 सेंटीमीटर आपका है, ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, लिख दीजिए ऐसे ओडी इक्वल टू ओई इक्वल टू ओएफ 4 सेंटीमीटर, ये आपका क्या है रेडियस है ना। अब देखिए क्या करते हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए ये ट्रायंगल एक बना, पहले इस ट्रायंगल का निकालते एरिया, फिर इस ट्रायंगल का निकालते हैं, फिर इस ट्रायंगल का निकालते, तीनों ट्रायंगल का एरिया को निकालते हैं, और तीनों को हम लोग सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी सी के एरिया के इक्वल होगा कि नहीं होगा ना, तो पहले हम इस ट्रायंगल का निकालते हैं एरिया, हाँ यहाँ आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ या ओ बी सी, इसलिए ओ बी सी क्या होगा 1 by 2 into base, base हो गया आपका BC, और height क्या होगा OD, तो 1 by 2 base हो गया कितना BC, देखो BC हम लोग निकाल चुके 14, और OD, OD बेटा height क्या होगा 2 by 2 into 4, ये हो गया 28 cm square,
एक एरिया ओबीसी निकलेगा कितना 28 cm². अब हम क्या करते हैं, अगला स्टेप में देखिए, अब इसका निकालते हैं एरिया, एरिया एओ ओएबी, इसलिए ओएबी 1/2 इनटू बेस क्या हो जाएगा आपका एबी, और हाइट हो जाएगा क्या ओई, तो 1/2 इनटू बेस एक्स प्लस एट और हाइट 4, 2 × 2, 2 × 4, अब क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 × 2 × 8 = 16 cm², ये भी निकल गया। अब ये निकालते हैं एरिया ट्रायंगल ओ ए सी 1/2 इंटू बेस ए सी और हाइट एल्टीट्यूड जो है ओ एफ है 1/2 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू 4 2 × 2 × 2 × 4 ये क्या हो जाएगा 2x + 12 cm², ये निकल गया क्या मेरा, ये तीनों निकल गया। अब क्या करते हैं बड़ा वाला का भी निकाल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, अब ए बी सी में क्या करते हो, ए बी सी ए की ऑपोजिट साइड है, सुमान हमारे ए स्मॉल ए, स्मॉल ए क्या हो जाएगा आपका 14 cm, ये आपका बी ए बी के ऑपोजिट साइड ए सी यानी स्मॉल बी, ये हो जाएगा एक्स प्लस 6 cm, और सी सी एंगल एंगल सी के ऑपोजिट साइड ए बी, ये क्या हो जाएगा आपका एक्स प्लस 8। हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, एस निकालते हैं, हिडन फॉर्मूला यूज करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय टू ए, ए हो गया 14, बी हो गया एक्स प्लस सी और सी हो गया एक्स प्लस 8 बाय टू, ठीक है। अब एक्स प्लस एक्स हो जाएगा 2x, ठीक है, 6 और 8 14 और प्लस 14 28 बाय टू। अब क्या करें, दोनों में 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 14 2 कैंसिल x प्लस 14 s निकल गया क्या आपका x प्लस 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, बाय हिडन फॉर्मूला, फॉर्मूला बाय यूज करते हैं, इसके लिए एरिया निकालें, एरिया ए बी सी, ये फॉर्मूला क्या होता है, रूट s एस माइन ए एस माइन बी बी एस माइन सी, ठीक है। अब ये डिस्टर्ब हो जाएगा, अब एस एस के बदले में क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 14 एस एक्स प्लस 14 माइन ए, ए आपको क्या है 14 है माइनस 14, फिर एस एक्स प्लस 14 माइनस बी, देखिए बी आपका एक्स प्लस 6 है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये साइन चेंज माइनस एक्स माइनस 6 हो गए से, फिर आगे देखिए एस एक्स प्लस 14 माइनस सी, सी क्या एक्स प्लस 8 है, ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 8, ठीक है। अब आगे जगह है ना, चलिए यहाँ तक लिख लीजिए, अब थोड़ा बहुत उसके बाद बता दें। देखिए हम लोग कहाँ तक थे, यहाँ तक आपका, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बोलते हैं एक्स प्लस 14, ये हो जाएगा एक्स बचेगा यहाँ पर, इसमें देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, तो ये हो जाएगा 8, 14 माइनस 6 8 और एक्स प्लस एक्स कैंसिल 14 माइनस 8 इन 6 आगे। हम क्या करते हैं, 8 है, 8 को आगे लिख देते हैं, 8 का फैक्टर क्या होगा 2 × 2 × 2 × 2 और 6 का होगा 2 × 3 x तो x x प्लस 14, इसको बाहर कर दीजिए जो मिल रहा है, तो 2 × 2 ये बच गया क्या 3x x प्लस 14, तो ये हो गया 4 3x x प्लस 14, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, देखिए एरिया ओ बी सी प्लस ओ ए बी प्लस ओ ए सी मिलके पूरा हो, इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, क्या नाउ
एरिया ओ बी सी प्लस एरिया ओ ए बी प्लस एरिया ओ ए सी इक्वल टू एरिया ए बी सी होगा नहीं। तो दिस इंप्लाइज ये आ चुका है 28 और कितना है 2x प्लस 16 और ये आपका है एरिया ए सी बी 2x प्लस 12 और ये कितना है हम लोग आ चुका है 4 अंडर रूट 3x x प्लस 14 होगा। अब आते हैं इधर ठीक है 2x प्लस 2x ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 28 अधिक यहाँ पर 12 और 16 28 मिलके 56 और सब क्लियर हो गया 4 3x x प्लस 14। अब देखिए ये दोनों में कुछ कॉमन है क्या 4 कॉमन है तो x प्लस 14 होगा x एक्स कैंसिल तो क्या हो गया x प्लस 14 इक्वल टू अंडर रूट 3 एक्स एक्स प्लस 14। अब क्या करते हैं एस स्क्वायरिंग बोथ सेट विल गेट क्या हमारे x प्लस 14 होल स्क्वायर इधर अंडर रूट 3 एक्स एक्स प्लस 14 पूरा क्या करेंगे पूरा का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग इसका स्क्वायर यानी क्या इसको टू टाइम्स लिख लिख दीजिए लोग भी दिखा रहे किसी को नहीं ना। ओके ये रूट हट जाएगा क्या और 3 एक्स एक्स प्लस 14 अब देखो ये और ये पूरा कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा आपका एक्स प्लस 14 इक्वल 3 एक्स तो इसको उधर भेज दीजिए 3 एक्स माइनस एक्स तो देयर फोर 2x equal to 14 तो x हो गया क्या 7 सेंटीमीटर। जब x 7 हो गया तो आपको चाहिए था क्या AC और AB तो लिखिए therefore AC x plus 6 7 plus 6 13 सेंटीमीटर therefore AB x plus 8 x आ चुका है 7 और 8 सर्कल क्या कह रहा है एक आपका क्वाड्रिलेटरल है जो कि सर्कमस्क्राइब है का मतलब है एक सर्कल के ऊपर में बाहर में जो कि सबको टच कर रहा है तो उसका ऑपोजिट जो जो साइड्स है वो सेंटर के साथ में क्या बनाएंगे दोनों का सम होगा सप्लीमेंट्री मतलब 180 का एंगल बनेगा प्रूव करना है। ठीक है आपको कह रहा है इस तरह ये 30 नंबर है ना लेटरल ए बी सी और ये आपका डी है सेंटर ठीक है और यहाँ पर आपको टच कर रहे हैं पी पर क्यू पर आर पर एस पर ठीक है तो आपको प्रूफ करना ये है कि दिस एंगल ऑब्वियस साइड है ना ठीक है ये एंगल प्लस ये एंगल तो 180 होना चाहिए और मतलब ए ओ डी प्लस सी ओ डी 180 बी ओ सी प्लस ए ओ डी 180 आपको प्रूफ करना है ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले गिवन दैट लिख लेते हैं
गिवन दैट क्या होंगे, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रेंगल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल विद सेंटर ओ, आप यहां प्रूव करना है प्रूव दैट, प्रूव आपको करना क्या है, एंगल ए ओ बी पहला ए ओ बी प्लस सी ओ डी 180, सेकेंड वन एंगल बी ओ सी प्लस ए ओ डी 180, ठीक है। यहाँ ले लेते हैं कंस्ट्रक्शन, जॉइन ओ पी ओ क्यू ओ आर ओ एस, जॉइन ओ पी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस। अब हम क्या करते हैं देखिए ध्यान से, इसको वन एंगल वन मान लेते हैं, इसको एंगल टू, इसको थ्री, इसको फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, मुझे दिक्कत है किसी को नहीं ना। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, ये दोनों ट्रायंगल को देखिए, देखो दोनों ट्रायंगल में ये अपर क्या है टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है, जब भी टेंजेंट है तो ये एंगल 90, ये भी 90 होगा, ये टेंजेंट है तो ये 90, ये 90, सब में वही होगा 90 90। आपकी दोनों को ध्यान दीजिए, देखिए ये आपका क्या हो गया ए पी और ए एस, दोनों टेंजेंट आपस में क्या इक्वल भी होगा, ठीक है। दूसरा ये 90 90 में हो गया, तीसरा और क्या हो सकता है, ये रेडियस ओ पी इक्वल टू ओ एस, रेडियस है कि नहीं बताओ, ये भी इक्वल होगा, और आपका ए ओ एओ इक्वल टू एओ ये कॉमन होगा, तो दोनों आपस में क्या कॉमन होगा कि नहीं, जब कॉमन हो जाएगा तो हम कह सकते हैं एंगल वन इक्वल टू एंगल एट। तो यहाँ पर किस तरीके बना है प्रूफ, देखिए थोड़ा सा समझना है, हम एक ये बार पर अपने आप हो जाएगा, ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ एस, ठीक है। या देखिए पहले लिखो ए पी इक्वल टू एस, ए पी इक्वल टू एस वाई टेंजेंट, ठीक है, ओ पी इक्वल टू ओ एस ये हो गया रेडियस, ठीक है, और दोनों में है ओ ओ ए इक्वल टू ओ ए कॉमन। तो बताइए एक ट्रायंगल का तीनों साइड, तीनों साइड के इक्वल हो गए तो हम क्या लिखेंगे, बाय एस 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 रूल। तो जब रूल से ट्रायंगल ए ओ पी और ट्रायंगल ए ओ एस डियर फोर एंगल वन इक्वल टू एंगल एट होगा, सिंपलिसिटी से, ठीक है। सिमिलरली क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों ट्रायंगल को हम कर सकते हैं कौन है ये कॉन्ग्रेंट, बी ओ पी और बी ओ क्यू, तो टू इक्वल टू थ्री हो जाएगा, सिमिलरली फोर इक्वल टू फाइव होगा और सिक्स इक्वल टू सेवन होगा, इस तरह तो लिख देंगे। सिमिलरली क्या हो जाएगा आपका, एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री, एंगल फोर इक्वल टू एंगल फाइव और एंगल सिक्स इक्वल टू एंगल सेवन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको ये बताइए ये सेंटर है, सेंटर में पूरा ये एंगल फिर कितना डिग्री का एंगल बना सकते, 60 का बनाता है, तो लिखेंगे नौ एंगल वन प्लस एंगल टू एंगल थ्री एंगल फोर एंगल फाइव एंगल सिक्स एंगल सेवन एंगल एट, मेरे तो 60 होगा, बताओ कोई दिक्कत है किसी को नहीं ना। अब एक काम की, अब आपको देखना है कि आपका गोल क्या है, टारगेट क्या है, ए ओ सी
प्लस सी ओ डी ये लाना है, ए ओ सी ए ओ बी कहाँ सारा देखो ए ओ बी मतलब एंगल वन और टू, यहाँ साइड में देख लीजिए वन एंड टू, ये वन और टू को आपको कुछ नहीं करना, जो कि रखना है बाकी कन्वर्ट करना है। फिर आपको चाहिए सी ओ डी, सी ओ डी में क्या फाइव और सिक्स आ रहा है, फाइव और सिक्स, तो आपको दिमाग में ये बैठा कर रखना है पहला वाला प्रूव करने के लिए, जहां जहां वन और टू आएगा और फाइव और सिक्स आएगा उसको आपको टच नहीं करना है, जो कि छोड़ देना है, ठीक है, इसको छूना भी नहीं है। तो देखिए तो वन और यहाँ कितना टू आ रहा है, एंगल वन प्लस एंगल टू, देखो थ्री थ्री इसमें नहीं है, तो अब देखो थ्री, अब क्या करेंगे थ्री किसके इक्वल होता है टू, तो थ्री को बदले अब यहाँ देख देंगे टू, अब ये देखेंगे यहाँ फोर, फोर यहाँ है क्या नहीं है, मतलब तो फोर का किसके इक्वल होता है फाइव, फाइव भी है, और फाइव है तो फाइव तो और देखिए है फाइव सिक्स कुछ नहीं करना है, इसको जो होती है ना अगला देखिए सेवन, सेवन यहाँ है नहीं है, सेवन किसके इक्वल है सिक्स, तो सिक्स लिख देना है, और एट तो एट भी यहाँ नहीं है, और एट किसके इक्वल है वन, वन डॉक्टर को कोई डाउट है किसी को नहीं ना, अगला स्टेप एंगल वन और ये एंगल वन मिल गए टू एंगल वन होगा, एंगल टू एंगल टू, एंगल टू एंगल टू प्लस एंगल फाइव, एंगल फाइव टू एंगल फाइव, एंगल सिक्स, एंगल सिक्स टू एंगल सिक्स, थ्री सिक्सटी हो गया। अब हम क्या करते हैं सब टू कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस फाइव प्लस सिक्स थ्री सिक्सटी, तो टू कट हो जाएगा वन एट्टी। अब दियर को देखिए वन प्लस टू, अब बताइए वन प्लस टू मिल के ए ओ वी होगा, यहाँ देख रहे हैं एंगल ए ओ वी प्लस फाइव प्लस सिक्स, ये देखिए फाइव और सिक्स मिलकर सी ओ डी होगा, ये सी ओ डी दिक्कत है किसी को, ये पहला आपका क्या हो गया इसमें मैं फिर अगेन। अब एक काम कीजिए, अब हमको बताइए सेंटर में ये है, इसको तो ऐसे तो लिख सकते हैं, अब हम क्या करते हैं वन टू नहीं लेते हैं, बड़ा वाला को लेते हैं ए ओ बी, नाउ अगेन ए ओ बी प्लस बी ओ सी प्लस सी ओ डी प्लस ए ओ डी, ये भी तो 360 होगा कि नहीं होगा ना, तो अगला देखिए और भी हम जस्ट प्रूव किया क्या ए ओ बी प्लस सी ओ डी 180, ए ओ बी प्लस सी ओ डी इन दोनों को बदले में क्या लिख दिया 180 लिख दिया, और बाकी दोनों को ऐसे लिख दें बी ओ सी प्लस ए ओ बी 360। अब देखिए बी ओ सी प्लस ए ओ डी 180 को उस साइड भेज दीजिए माइनस 180 हो जाएगा, ठीक है दिया क्या हो गया बी ओ सी प्लस ए ओ डी 360 में 180 ये जो 180 ठीक है, ये सेकंड नंबर प्रूव हो गया 1 एंड 2 चलिए बनाएंगे आपको चलिए कोई डाउट नहीं है ना किसी को, ये तो फटाफट